नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 23 अप्रैल तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 24 अप्रैल से लेकर यानी कि 5 मई तक आज तक छत्तीसगढ़ के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबका यहाँ एनालिसिस करेंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालिसिस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो घर बैठकर कर सकते हो। 2 कोर्स प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए हमारे पास। एक है हमारा मोबाइल कोर्स जिसके में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं सारे सब्जेक्ट वाइज। आप इसके माध्यम से घर में बैठकर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ घर में तैयारी कर सकते हो। और हालिया में लॉन्च हुआ हमारा ऑडियो कोर्स, इसके माध्यम से भी आप घर में बैठकर बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हो। ऑडियो कोर्स की एक खास बात यह है कि अगर आप इसे अपने दोस्तों तक या रिलेटिव तक शेयर करते हो और वो आपके रेफर से परचेस करते हैं तो आपको आने वाले 3 महीने की मैगज़ीन जो है वो बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। और एक बात और, 1 से 2 दिन में हमारी मैगज़ीन जो है वो भी बहुत जल्द आ जाएगी, तो उसके माध्यम से भी आप तैयारी जारी रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये एनालिसिस। आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से संबंधित है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अगर आप अभी जिस देश में जिस प्रकार से हालात हैं, कोरोना संक्रमण की वजह से जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया है, इकॉनमी जो है वो लगातार गिरती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% पे पहुंच चुका है। ये पूरे देश के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था, नेशनल करंट अफेयर वाला एनालिसिस किया था। लेकिन हाल ही में सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो है वो पिछले 12 महीने में निम्नतम स्तर पे पहुंच गई है और ये 3.4% पे पहुंच चुकी है। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में हालात हैं और जिस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो गया कि जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो डाउन हो गया। इसका कारण मैं आप लोगों को इस वीडियो के आगे में बताऊंगा कि पूरे देश में जब बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम हुई है। ठीक है, तो देखते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग आंकड़ा देख लेते हैं। तो मार्च में अगर पूरे ओवरऑल इंडिया का आंकड़ा देखें तो बेरोजगारी दर 23% तक पहुंच चुकी है और छत्तीसगढ़ में ये न्यूनतम स्तर पे है पिछले 12 महीने में 3.4%। अगर यही आंकड़ा हम सितंबर 2018 की बात करें तो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट छत्तीसगढ़ में 22.2% थी। ये मेरे को थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है कि सितंबर 2018 में छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22% थी और अभी 3.4% हो गई है। खैर, जो भी है, ये आंकड़ा अभी फ़िलहाल यही दिया हुआ है। तो इन आंकड़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से नोट करके रखिएगा। ये आंकड़ा आपका पेपर नंबर 5 में भी बहुत काम आने वाला है और प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसी में हम लोग देख लेते हैं। हमने ये बात किया कि छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने का वजह क्या है? तो इसका वजह है छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन। लगभग 76% जो छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन है वो कहाँ निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी रोजगार के जो अवसर हैं वो खुले हुए हैं। एक रिपोर्ट अगर देखोगे हाल ही में आया है, किसका? मनरेगा का। तो मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के मामले में छत्तीसगढ़ टॉप पे पहुंच चुका है। कैसे पहुंच चुका है? छत्तीसगढ़ में लगभग 10,500 के आसपास ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्राम सभा हैं या ग्रामीण एरिया हैं। इसमें से लगभग 9,800 के आसपास क्षेत्रों में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस 9,800 ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18,51,000 के आसपास लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार लोगों को मिल ही रहा है और पहले जितना मिल रहा था उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ा ही है। अगर इस मनरेगा की रिपोर्ट के अनुसार आप देखोगे तो देश में मनरेगा के तहत जितने भी रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं प्रेजेंट टाइम पर 24% मनरेगा के तहत रोजगार सिर्फ छत्तीसगढ़ में सृजित हो रही है। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के बजाय घटा है क्योंकि
हमारी जो सबसे बड़ी आबादी है वो किन क्षेत्रों में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप मेंस में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका वैल्यू एडिशन आप वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यहाँ पर किसान को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कैंपेन की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ कृषि विभाग के तरफ से। ये किस प्रकार से है, कहने का मतलब है कि जो भी फसलों की बुआई की जाती है तो सरकार एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि कितना बुआई करना है, कितने रकबे को बोना है, कौन कौन सी फसल की बुआई किस हिसाब से होना है। सरकार वो लक्ष्य निर्धारित करती है और उसी लक्ष्य के निर्धारण के आधार पर फिर सरकार उसे खरीदने का भी लक्ष्य निर्धारित करती है। तो यहाँ पर सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, कुछ के रकबे को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और कुछ को घटाने का फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। मेन है इसमें दलहन, तिलहन, मक्का और गन्ना, इनके रकबे को बढ़ाने का छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है। किस प्रकार से फैसला लिया है, दलहन के रकबे में जो पिछले साल जितना लक्ष्य था उससे 28% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो तिलहन था यानी कि जिससे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उसके उत्पादन में यानी कि बुआई में 33% का बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी आ जाता है कि धान के रकबे को 5% तक कम करने का भी जो टारगेट है वो निर्धारित किया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस बरसात में जब धान की बुआई होगी तो जो धान का रकबा होता है छत्तीसगढ़ में उसको 5% तक कम करने का फैसला लिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रस्तावित लक्ष्य की बात करें, अलग अलग फसलों के हिसाब से यहाँ पर प्रस्तावित लक्ष्य की बात करें तो इसमें धान की बुआई 2020 में 37 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि 2019 में 37.7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। मैंने बताया ना कि यहाँ पर इसके रकबे को 5% तक कम करने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर आप मक्के की बात करोगे तो 2,05,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2019 में इतना था और 2020 में इतना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अरहर में 34,000 हेक्टेयर, इसके अलावा उड़द में यहाँ पर 25,000 हेक्टेयर और अन्य दलहनी फसलों में 21,000 हेक्टेयर की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। तिलहनी में 25,000 हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य प्रस्तावित है। तो इस तरह से इन डेटा का आप इस्तेमाल अपने मुख्य परीक्षा में कर सकते हो या फिर जब आप छत्तीसगढ़ में फसलों से संबंधित कहीं पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ये वैल्यू एडिशन आपके लिए बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपके आंसर राइटिंग पे। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ये सब जितने भी मैंने डेटा बताया ना, छोटे छोटे नोट्स बनाकर रख लो कि 2019 में कितना था, 2020 में कितना है या कितने परसेंट वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, राम वन गमन पथ निर्माण। हमने पहले भी बहुत बार इस टॉपिक के बारे में चर्चा किया, फिर से न्यूज़ में है ये टॉपिक, इसलिए यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए राम वन गमन पथ का विकास हेतु प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। पिछले साल वर्ष 2019 के आखिरी महीनों में फैसला लिया गया था कि छत्तीसगढ़ में ऐसे ही 51 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जो हैं 14 वर्ष वनवास के समय छत्तीसगढ़ के इन 51 स्थानों पर कहीं ना कहीं रुके या यहाँ से गुजरे हैं। तो इनको विकसित किया जाएगा ताकि उस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार भी मिल सके और छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म जितने प्लेसेस हैं उसको डेवलप भी किया जाए और लोगों को छत्तीसगढ़ के टूरिज़्म के प्रति जो है वो आकर्षित भी किया जाए। तो इसीलिए 51 स्थानों का चयन किया गया था रामवन गमन पथ के जरिए और इसके लिए फर्स्ट फेज में यहाँ पर 9 स्थानों का चयन किया गया है जिसका डेवलपमेंट किया जाना है। इसमें से याद रखिएगा ये 9 स्थान कौन कौन से हैं, सीतामढ़ी का हरचौका है आपका, रामगढ़ है, सिवनी नारायण है, तुरतुरिया है, चंद्रखुरी है, राजिम है, सिहावा है, सप्तऋषि आश्रम है, जगदलपुर और रामाराम। जगदलपुर के बारे में एक फैक्ट और आपको यहाँ पर याद रखना है, वो फैक्ट क्या है, आप लोगों को पता है कि भारत सरकार जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 स्कीम चला रही है, एक स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया और एक आपका प्रसाद स्कीम हो गया। स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत में थीम पर आधारित सर्किट को डेवलप किया जा रहा है, उसी के तहत में रामायण परिपथ को भी डेवलप किया जा रहा है। तो रामायण परिपथ के तहत में छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो जिला शामिल है वो आपका जगदलपुर शामिल है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे
परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ के रामायण परिपथ के अंतर्गत कौन से जिले को शामिल किया गया है, भगवान राम से जुड़ा हुआ कौन से स्थान को शामिल किया गया है, तो आंसर होगा जगदलपुर। तो ध्यान रखिएगा स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से प्रदेश में राम वन गमन पथ को विकसित करने का निर्णय लिया है उसके बारे में भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल या परसों आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आएगा। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर में हमने क्वेश्चन एनालिसिस नहीं किया है, तो पिछले एक से डेढ़ महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे। तो कल या परसों हो सकता है वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसका थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है और इस फैसले के अनुसार छत्तीसगढ़ में शुरुआती समय में कुछ स्कीम्स पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, ये प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाएं होंगी जिस पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, शुरुआती चरण में 5 प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मतलब ये हुआ कि अगर छत्तीसगढ़ में कोई स्कीम जो है इम्प्लीमेंट है, जैसे आप मान लीजिए सुराजी ग्राम योजना, ये इम्प्लीमेंट है, तो इसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ का यह जो स्कीम है वो जमीनी स्तर पर किस प्रकार से काम कर रहा है या फिर लोगों को किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो इन सब का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, छत्तीसगढ़ में गौठानों से संबंधित यहां पर जियो फेंसिंग का काम किया गया। ठीक है, अब जियो फेंसिंग के जरिए इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसी प्रकार से मान लो सुपोषण अभियान हो गया, सुपोषण अभियान जो चल रहा है इसका भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जा सकता है, कुछ इस प्रकार से व्यवस्था किया जाए। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सबका ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने वाली है, लेकिन शुरुआती चरण में 5 स्कीम्स को यहां पर ऐड किया गया। उस 5 स्कीम के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सा शुरुआती चरण में 5 स्कीम है जिसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि इसको जो टेक्निकल सपोर्ट देगा वो छत्तीसगढ़ का चिप्स देगा। चिप्स का फुल फॉर्म यहाँ पर ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एंड बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये बताइए चिप्स को छत्तीसगढ़ में कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कौन से 5 स्कीम है जिसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग, जिसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरुआती चरण में किया जाएगा? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी यानी कि सुराजी ग्राम योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। इसमें से तो 4 स्कीम वो हैं जो 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था। ठीक है, ये जो टॉपिक था आपका पेपर नंबर 7 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां पर छत्तीसगढ़ के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ पावर कंपनी को पूरे देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। इस आंकड़े के अनुसार स्टेट पावर कंपनी के तहत ताप विद्युत गृहों को देश भर में स्टेट सेक्टर की कैटेगरी में, ये कैटेगरी याद रखिएगा, स्टेट सेक्टर की कैटेगरी में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आप ये स्टेट सेक्टर का कैटेगरी देखोगे तो पूरे देश भर में उत्पादित किए जाने वाले विद्युत कंपनी को 34 स्टेट सेक्टर में डिवाइड किया गया है और इस 34 स्टेट सेक्टर में छत्तीसगढ़ का स्थान 3रा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जनरेशन कंपनी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? कोरबा में स्थित है। इसको पूरे देश भर में 8वां सर्वश्रेष्ठ प्लांट का जो है वो दर्जा मिला है, यानी कि एक विद्युत प्लांट का अगर हम बात करें तो ये देश का 8वां सर्वश्रेष्ठ विद्युत प्लांट है। कौन सा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और स्टेट सेक्टर की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ का जो विद्युत प्रोडक्शन कंपनी है उसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, जो विद्युत जनरेशन कंपनी है उसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया ना कि टोटल 34 स्टेट सेक्टर हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अगर पहले और दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर पहले स्थान पर है सिंगरैनी कोलियारिस और दूसरे नंबर पर है आपका तेलंगाना पावर जनरेशन कंपनी। ये दोनों का नाम नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नाम याद रखना है उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सर्वाधिक मूल्य की लघु वनोपज खरीदी करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक है, हाल ही में द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। इस आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक 18 करोड़ 63 लाख रुपए का इस लॉकडाउन के समय में
जो कि एक बहुत चैलेंजिंग काम था, फिर भी इतना 18,63,00,000 रुपये से अधिक मूल्य का जो है लघु वन उपज की खरीदी की गई है, जो कि पूरे देश भर में सर्वाधिक है। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रदेश में अगर वन उपज की थोड़ी सी हम स्थिति बात कर लें, सरकार जो है किस प्रकार से इसे परचेस करती है, तो इस साल का जो लक्ष्य रखा गया है वो 253 करोड़ रुपये की राशि से 8,46,920 क्विंटल लघु वन उपज को संग्रहित करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। और आप लोगों को तो पता ही है कि अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कितने लघु वन उपज पर सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है, तो इसका नंबर 23 है। अभी कुछ दिनों पहले इसका 22 था, लेकिन अब 23 हो गया है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 2018 तक सिर्फ 7 वन उपज पर समर्थन मूल्य दिया जाता है, अब 23 लघु वन उपज पर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ राज्य में गोठानों की जियो टैगिंग शुरू हो चुकी है, और शुरुआती दौर में 3,350 गोठानों का जियो टैगिंग किया जा रहा है। जियो टैगिंग करने का उद्देश्य है ग्रामीणों को ये पता चल सके कि उनके पास में कौन सा गौठान स्थित है, ताकि वो अपने पशुओं को उस गौठान में भेज सकें। इसके अलावा उन्हें ये भी पता चल सकेगा कि इस क्षेत्र में गौठान है तो उसके और भी कई सारे लाभ वो ले सकते हैं, इसीलिए जियो टैगिंग किया गया है गौठानों का। और प्रदेश में 3,350 गौठानों का जियो टैगिंग जो है वो किया जा चुका है। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो सरकार ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना चाहती है इस स्कीम्स को, वो भी किया जा सकता है, प्रॉपर डेटा भी होगा सरकार के पास में, और ज़मीनी स्तर पर ये स्कीम कितना काम कर रहा है उसका भी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। तो ये प्रदेश सरकार का एक बेहतर स्टेप माना जा सकता है जियो टैगिंग से रिलेटेड। ठीक है, प्रदेश में अगर अभी वर्तमान समय में गौठानों की स्थिति हम देखें तो इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रदेश सरकार में अब तक कुल कितनी गौठानों का निर्माण किया गया है, इसके अलावा अभी वर्तमान समय में कितनी गौठानों का निर्माण किया गया है, इसके अलावा कुछ प्रस्ताव भी हैं वो किस प्रकार से हैं। तो आप लोगों को पता है कि 10,000 ग्राम पंचायतों में से लगभग 5,409 ग्राम पंचायतों में गौठान हेतु स्वीकृति मिल चुकी है, इतना में से इतना का स्वीकृत हो चुका है, और वर्तमान समय में 1929 गौठानों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, एक डेटा यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, ये 3,350 नहीं 350 गौठान ही है। ठीक है, ये 3,350 नहीं 350 है। ठीक, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो है कवच मोबाइल एप्लीकेशन। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग और चिप्स ने मिलकर एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, उसका नाम है कवच मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को इसलिए डेवलप किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बीच में जनता तक सही परामर्श पहुंच सके, सही जानकारी पहुंच सके, इसलिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, और इस जानकारी के अनुसार लोगों तक तत्काल सुविधा भी पहुंच सके, स्वास्थ्य सुविधा भी पहुंच सके, इस उद्देश्य के साथ में भी इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। अगर सरकार के प्रयासों के बारे में मेंस में क्वेश्चन आता है तो इस एप्लीकेशन का वहाँ पर वैल्यू एडिशन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग चिप्स ने मिलकर इसको विकसित किया है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉप डॉक्टर ऐप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसीलिए इस एप्लीकेशन को किसानों के लिए यहाँ पर डेवलप किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से फसल की जानकारी, सेवा का व्यापक पहुँच और आसान पहुँच बनाना इसका उद्देश्य है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से फसलों के बारे में सारी जानकारी किसानों को घर बैठे मिल सकता है, वो वैज्ञानिकों से चर्चा भी कर सकते हैं अपनी फसलों को लेकर, तो इसीलिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके, उनको अपनी फसलों के बारे में जानकारी मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ में इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। यह दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यह एप्लीकेशन मौजूद है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में एनालिसिस भी किया था, पंचायती राज दिवस
के अवसर पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को प्रदान किए जाने के पीछे का जो उद्देश्य है, ग्राम पंचायतों को सामाजिक और आर्थिक विकास में अगर कोई ग्राम पंचायत उत्कृष्ट योगदान देता है तो उस ग्राम पंचायत को जो है भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के बन चरौदा को जो है नानाजी देशमुख ग्राम सभा पुरस्कार प्रदान हुआ है। और ये ग्राम चौरादा कहाँ है, आपका आरंग विकास खंड में स्थित है। आरंग विकास खंड कहाँ है, रायपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और पंचायती राज दिवस से संबंधित जो जानकारी थी वो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुख्य परीक्षा में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। खासकर ये जो दोनों कैंपेन को चलाया गया है, ये कैंपेन को चलाया गया है आंगनबाड़ी के बच्चों का समग्र विकास हेतु। लॉकडाउन है, बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं ना कॉलेज जा पा रहे हैं, और आंगनबाड़ी के बच्चे भी जो हैं वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जा पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग ने यूनिसेफ की मदद से यहाँ पर इस कैंपेन को शुरू किया गया है। इन दोनों कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो भी मोबाइल है उसके सोशल मीडिया या व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक हो गया, उसके माध्यम से उनको कुछ जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी। आंगनवाड़ी जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाए, उनका किस प्रकार से ख्याल रखा जाए, इससे संबंधी जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं घर घर जाकर वहाँ पर उनके बच्चों के परिवार वाले को जागरूक करेंगे और बच्चों के परिवार वाले के व्हाट्सअप नंबर या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनको वो मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे जिससे बच्चों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है या और अदर जानकारियां दी जा सकती हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम का। ठीक है, ताकि घर बैठे भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहें। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ राजकीय पशु वन भैंसा से संबंधित है। ये हम लोगों को पता है, पहले भी खबर में सुना गया था, पहले भी हमने खबर में ये पढ़ा था कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो है वो राजकीय पशु की संख्या कम होती जा रही है। अब इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 5 वन भैंसा को असम के राष्ट्रीय उद्यान से लाने का फैसला किया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसकी मंजूरी भी मिल गई थी और पिछले कुछ दिनों पहले ही 5 वन भैंसा तो नहीं, 2 वन भैंसा, एक नर यानी कि मेल और एक फीमेल यानी कि मादा को छत्तीसगढ़ लाया गया है। अभी 2-5 में से 2 को लाया गया है और इन दोनों को बारनावापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में रखा जाएगा। हालांकि इन पांचों को बारनावापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में रखा जाएगा, लेकिन अभी 2 ही पहुंचा है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि राजकीय पशु अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की स्थिति किस प्रकार से है राजकीय पशु से संबंधित। तो अगर हम राज्य जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ था तो उस समय राजकीय पशु की संख्या जो प्रदेश में थी वो 80 के आसपास हुआ करती थी। वर्ष 2005 और 6 में इसकी संख्या घटकर मात्र 12 पहुंच गई। और अगर अभी आप प्रेजेंट टाइम पर इसके आंकड़े देखोगे सरकारी आंकड़ों में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिखेंगे कि अभी वर्तमान समय में प्रदेश में वन भैंसों की संख्या सिर्फ 10 है। और ये 10 कहाँ है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व तथा इंद्रावती टाइगर रिजर्व में स्थित है। लेकिन सरकार का यहाँ पर अनुमान है या फिर आप इसे दावा कह लो, हालांकि आंकड़ों में नहीं है लेकिन अनुमान और दावा है कि प्रदेश में अभी वर्तमान समय में 35 वन भैंसे जो है वो स्थित हैं या हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजकीय पशु की संख्या बढ़ाने के लिए राजकीय पशु की छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से स्थिति है, तो असम से जिस प्रकार से मानस राष्ट्रीय उद्यान से लाए जाने वाले हैं उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हो, इन आंकड़ों का भी जिक्र कर सकते हो। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान समय में लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी के बारे में। इनका हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये 63 इयर्स के थे और 2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए थे, लेकिन 2019 में इनकी नियुक्ति लोकपाल के चौथे सदस्य के रूप में की गई थी, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद रामचंद्र मीनन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
जो कि 12वें मुख्य न्यायाधीश थे अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हमारा था पूरा आज का छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का वीडियो। लगभग 12 से 13 टॉपिक थे और सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। और घर में रहकर भी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारे जो दोनों कोर्स हैं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया, उसके माध्यम से आप कर सकते हो। लाखों रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप कम कीमत में भी पढ़ाई कर सकते हो और बेहतर क्वालिटी के कंटेंट के साथ में। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हो, वहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो कंपटीशन कम्युनिटी रायपुर को। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।